basic idea. Like in the last class, we took an example of investing activity which deals with non-current assets. हम purchase of goodwill की बात तो करते हैं, but हम sale of goodwill की बात नहीं करते, because if we sell the goodwill, we are selling the business. So we just talk about amortization of the same for goodwill written off. उसका treatment क्या होता है वो बाद में देख लेंगे, शायद आज ही देख लेंगे. Then comes investing में मेरा non-current, इधर देखना बच्चों जरा. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने अपना नॉन करेंट एसेट्स ले लिया इन एन लेमन सेंस एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स ले लिया. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैंने अपना डेट ले लिया एंड इक्विटी ले लिया. अब मेरे पास टेक्निकली स्पीकिंग बैलेंस शीट में बचा क्या? इधर देखो बेटा, करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटी. अगर मैं फॉर्मेट वाइज बात करूं तो मेरे पास बचा क्या? करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटी. और बचपन से हमने एक चीज सीखी थी, अगर नहीं सीखी थी तो अब सीख लेंगे. कुछ बच्चों ने अभी तक रेशो का चैप्टर शायद नहीं पढ़ा होगा, बट अगर पढ़ा होता तो ये बात पता होती. वर्किंग कैपिटल इज करेंट एसेट माइनस करेंट. एंड वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन कहता है मनी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. मनी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. द मोमेंट आई यूज द टर्म डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, द पिक्चर इज क्लियर. The picture is clear, and what is that picture says? That picture says that day-to-day operation is fine, means you are talking about operating activity. So we'll be using this term called working capital and the components of working capital while discussing operating activity today. While discussing operating activity today, is that clear, Karthik? Karthik. Yes, sir, clear. Now, before I go further, मैंने last class से बोलना शुरू कर दिया था बच्चा पार्टी. क्या बोलना शुरू कर दिया था रिदम? Undo the effect of non-cash and oblique or non-operating items. Undo the effect of non-cash and non-operating items. मैंने ये बोला था क्लास में पढ़ाते वक्त दैट जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे, आप देखेंगे वी आर गोइंग टू डू अनडू द इफेक्ट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम. सो फार सो गुड. लॉक कर दूं यहां तक कोई डाउट? बताओ बच्चे, यहां तक कोई डाउट? नो डाउट सर. ओके, नाउ आगे चलते हैं पुत्र. भगवान हमारा भला करे. जैसे मैंने आपके साथ बहुत सारे एग्जांपल लिए, आज मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है कॉलेज के बच्चों को, ताकि वहां पे तो फट से घास काट दें. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन? डेप टू मशीन और मे बी डेप टू प्रोविजन फॉर डेप, डिपेंडिंग अपॉन वेदर प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट इज मेंटेन्ड और नॉट. सो व्हेन वी मेंटेन प्रोविजन अकाउंट, 11th स्टैंडर्ड में भी बोलते थे, वी पास एन एंट्री डेप टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. And when we don't maintain provision account, then we simply do debt to machinery. Now my question, Karthik, is in both the entries, cash is not involved. It's a non-cash item. और मुझे non-cash item का effect को क्या करना है बता? Undo. तो मेरा आपसे छोटा सा सवाल. Depreciation is an expense, Karthik. Yes, sir. It's an expense. इसी वजह से current year के profit रिड्यूस हो गए, तो अब ऐड कर दें. ऐड कर दो इसकी ऑपरेटिंग में. ईयर के प्रॉफिट रिड्यूस हो गए तो अब ऐड कर देंगे. नाउ जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, तो आप देखोगे इसको मैं क्या कर रहा हूं. नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉसेस आर, बोलो बच्चों, लॉसेस आर डेबिटेड. मशीन अकाउंट इस एंट्री में कहीं कैश आ रहा है? इट्स अ नॉन कैश एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग. लाइक दिस ट्रांजेक्शन वॉज नॉन कैश बट ऑपरेटिंग. इट वॉज नॉन कैश बट नॉन कैश तो था ना. इधर इट हैज टू बी नॉन कैश और इट हैज टू बी नॉन ऑपरेटिंग. इसको भी ऑपरेटिंग में क्या कर दूंगा, क्योंकि ये लॉस की एंट्री है. गेन की एंट्री इसकी रिवर्स, तो वो क्या हो जाएगा? रिदम
Yes, sir. What is the journal entry for fictitious assets written off? Say advertisement suspense. What is the journal entry for fictitious asset written off? Because fictitious assets are in the nature of accumulated losses. So, मुझे बताओ बेटा, what is the journal entry for fictitious asset written off? Them. देखो मेरे पास 12th का बच्चा बैठा है, वो आंसर देने को तैयार है, बट मैंने उसको रोक दिया है. शेम शेम. सर मीटिंग छोड़ दी. मीटिंग में नहीं, अभी आई हूँ. मीटिंग आ गई. यस सर. बच्चों, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर फिक्टिशियस एसेट रिटन ऑफ? फिक्टिशियस एसेट्स रिटन ऑफ तो यही होती है, डेप्रिसिएशन टू फिक्टिशियस एसेट. वो डेप्रिसिएशन फिक्टिशियस एसेट थोड़ी है मेरे बच्चे. यस, अग्रिम गुप्ता मेरे साथ क्लास में बैठा है अभी. एब्सोल्युटली राइट. कहते हैं सर, फिक्टिशियस एसेट्स आर इन द नेचर ऑफ एक्युमुलेटेड लॉसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड टू फिक्टिशियस एसेट. अब वो फिक्टिशियस एसेट कौन कौन से हो सकते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इश्यू एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. Name it, have it. आपको fictitious assets के नाम याद रखने हैं, जैसे मैंने थोड़े से बोल भी दिए. अच्छा, can I say I will use the same entry to write off my intangible assets also, like goodwill, patents, trademarks, copyrights. आज मैं entry wise इसलिए सिखा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि entry wise जो बच्चा सीखता है ना, मेरा ये मानना है वो जिंदगी में मार नहीं खाता. Now again. इस एंट्री में कैश इन्वॉल्व, और मेरा धंधा इनको राइट ऑफ करने का थोड़ी है. सो ये नॉन कैश भी है, और ये मैं वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. स्कूल के पूछा जाता है टाइप, व्हाई यू आर एडिंग, व्हाई यू आर सबट्रैक्टिंग. सो इसको भी क्या कर दूंगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हो. थैंक यू. यहाँ तक मेरी बातें कार्तिक, आपको समझ आई मेरा बेटा? यस सर. जो भी चीज मेरा पुत्र नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग है, मुझे उसका इफेक्ट नलिफाई करना है, अंडू करना है. अगर उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गए तो कम कर दूंगा, कम हो गए तो उसको ऐड कर दूंगा. थैंक यू. अब मैं आपके साथ फॉर्मेट शेयर करने जा रहा हूँ, देखना बच्चों. प्लीज इसको छोड़ देना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसको फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर दो बेटा. वो कैसे निकालते हैं वो भी हम मिलकर सीखेंगे, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ AS3 फॉर्मेट. और वो NPBT पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही क्यों स्टार्ट होता है वो भी दो मिनट बाद बता दूंगा. बट पहले आप आइटम देखो, मैंने जिसको प्लस और जिसको माइनस किया मैं बोल के बताता हूँ, आप बताओ समझ आता है कि नहीं. डेप्रिसिएशन ऐड किया, इज दैट क्लियर? अभी डिस्कस किया. लॉस ऐड किया, इज दैट क्लियर? रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड माइनस किया. सर व्हाई? बिकॉज मेरा अकाउंटेंट तो बेवकूफ है, उसने तो इनकम में ऐड कर रखा है, जबकि ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है और हमने इसको ऑलरेडी इन्वेस्टिंग में ऐड कर रखा है, तो मुझे इसे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा. मुझे उसे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा. इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर, क्लियर. सिमिलरली प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन माइनस, अभी सीखा. गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड, अभी सीखा. फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ, अभी सीखा. इंटरेस्ट पेड ऑन लोन इनडायरेक्टली लास्ट क्लास में सीखा था. इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन एंड लोन इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो मैंने तो इसको आउटफ्लो कहां पे दिखा रखा है? फाइनेंसिंग में. बट मेरा अकाउंटेंट चमन, वो तो क्या सोचता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. उसने तो इस इंटरेस्ट को भी प्रॉफिट निकालते वक्त क्या कर दिया? माइनस. जबकि ये तो मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, ये तो मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. कैश एक्सपेंस तो है बट नॉन ऑपरेटिंग है. तो जो भी चीज नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग है, मुझे उसका इफेक्ट अंडू करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उसे ऐड कर दिया. सिमिलरली वी हैव ऑलरेडी लर्नड द टर्म्स कॉल्ड इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्ड इन अरियर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्ड इन अरियर. फाइनेंसिंग में माइनस हुआ था तो यहाँ प्लस हो गया. इंटरेस्ट रिसीव्ड फाइनेंसिंग में प्लस हुआ था तो यहाँ, क्योंकि वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है. इज दैट पॉइंट क्लियर कार्तिक अंकल? यस सर, इट्स क्लियर. बस इसके बाद मैंने टर्म लिख दिया, ये सब प्लस माइनस करने के बाद क्या आ जाता है? OPBWCC, शॉर्ट में बोल दिया. OPBWCC मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
working capital changes, and hence the rule working capital changes are considered here. And hence the rule working capital, which is money required for day-to-day operation, which is the difference of current asset and current liability, is dealt within operating activity. Operating profit before working में मैंने CA का decrease और CL का increase add कर दिया और इसका उल्टा minus कर दिया. एक बच्चा कहता है क्यों, समझा तो दो, एक point तो समझा दो, at least current asset समझा दो, मैं समझ जाऊंगा current liability उसका opposite. I'll take just 1 minute to explain. वैसे तो रट्टा ही मार लेते हैं practice कर करके, but कहीं मेरा अगर रट्टा भूल जाए तो logic से याद आ जाता है. My debtors in the beginning of the year are 1 lakh. Can I say it is my opening current asset? Debtor is a part of current asset, keeping all other debtors, मतलब current assets constant. So my opening debtor means opening current asset is 1 lakh. Received rupees 40,000 from customer. Customer means debtor. What is the entry? हाँ एक ही बात है. Can I say cash is coming in? And my closing current asset now becomes. तो यानी decrease in current asset leads to. Hence proved guys. Decrease in current asset leads to inflow. And that is the reason AS3 में ये format लिख के दिया हुआ है, CA का decrease और CL का increase, क्योंकि opposite attracts. Add कर दो और CA का increase और CL का decrease minus. अच्छा इधर सुनना बेटा, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा. Cash, current assets में बहुत सारे current asset होते हैं, but कुछ का नाम होता है cash in hand, कुछ का नाम होता है cash at bank. In accounting standard and in company accounts, we call them as cash and cash equivalents. Cash in hand, cash at bank, check in transit, drafts, marketable securities, short term, which is called short term securities, called investment. They all are part of cash. So while doing the operating activity, the components which are falling under cash and cash equivalents are ignored. They are to be taken care towards the end of the cash flow statement. I repeat, any item which is even though a part of current asset, but at the same time a part of cash and cash equivalent, usko hum operating activity mein use nahi karenge. Usko hum kab use karenge? Operating bana liya, investing bana liya, financing bana liya, uske baad. So the last point, show cash and cash equivalents. So, वो देख लेंगे कैसे, वो हम देख लेंगे. मैंने उस पर भी बात की. Is that point clear, Karthik? Yes, sir, it's clear. Now, अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे वापस. Once this is done, we say we get cash generated from operating activity. We get cash generated from operating activity from this. I have to subtract tax paid during the year, because tax is paid on profit, and profit is one thing which is of operating activity. Day to day running se profit aata hai. So tax paid gets subtracted from cash generated from operating. Aur yahan pe maine ek chhota sa word likh ke choda, adjustment called do it for extraordinary item, jo 12th standard ke exam mein kabhi nahi aata. College ke exam mein bhi maine kisi kitab mein dekha nahi, but main padha zarur dunga college walon ko, aaj nahi बाद में, क्योंकि आज आप बैठे हो तो आपको उसकी जरूरत नहीं है. ये सिर्फ फॉर्मेट में लिख के छोड़ा है, मैं देखो 12th का ये वीडियो उसमें भी लिख के छोड़ता हूँ, ताकि कभी कोई टीचर पूछ ले तो आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्लीट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टुवर्ड्स द एंड बिफोर फाइंडिंग द फाइनल आंसर मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को जस्ट डू इट करना है. सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? दिल कर रहा है मैं बिना बोले रह नहीं सकता. एक आइटम बिजनेस में लग गई आग, लॉस बाय फायर, ले लिया इंश्योरेंस कंपनी से पैसा, ले लिया इंश्योरेंस कंपनी से पैसा 5 करोड़ इनफ्लो, ऐड करो, बट वो मेरे रेगुलर रूटीन का इनफ्लो
इसीलिए उसे अलग से दिखाया जाता है ऑपरेटिंग एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. इज दैट क्लियर रिजन? शायद ये हमने नहीं पढ़ा होगा बेटा 12th में. यस सर क्लियर. ये तो मेरे को याद है एलडीएफ वाला पॉइंट. यस सर बेटा. नाउ once this is done, final answer aa gaya, positive ya negative? Positive hai to net cash inflow from operating activity, negative hai to net cash jaise school mein aapke dost aapko use kar lete hain, used in operating activity. Now humne mota mota, if not the question which we'll do today, operating bhi kar liya, investing bhi kar liya, financing bhi kar liya. Operating ka maine abhi NPBT and EOI nahi bataya, wo main aapko bataunga. उसको बताने के लिए पहले मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया जो आपको रेशियो के चैप्टर में भी उतना हेल्प करता है. लेट्स से रिदम मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 11 लाख. लेस टैक्स, क्वेश्चन कहता 40%, तो बताओ टैक्स कितना मेरा बेटा? 4 लाख. By doing this, आप बच्चों ने मेरे साथ एक बात एग्री की जो मैं 12th में भी बोलता था, रेशियो बड़े सारे चैप्टर में इनडायरेक्टली काम आ जाता है. टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स. टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अ फिगर विच इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब बचा 6 लाख, कैन आई कॉल इट एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? इस प्रॉफिट को देख के साडा हक एथेरा कौन बोलेगा? शेयर होल्डर. शेयर होल्डर तो दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और तो पहले किसको दो? सेवन लाख कॉल्ड इटिश. नहीं मेरी बारी हो चुकी, मैं बताऊंगा अभी. कॉल्ड प्रॉफिट, ये कौन था? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट भी पे हो चुका ऑलरेडी, इंटरेस्ट तो पहले ही हो गया होगा. टैक्स एंड प्रेफरेंस. लेट्स से हमारा था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 11 लाख, उसमें से पहले मैंने इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया 1 लाख, तो मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख. सो कैन आई कॉल दिस प्रॉफिट कार्तिक एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड This is my profit after interest, tax and preference dividend. कोई दिक्कत बेटा? No sir, कोई दिक्कत नहीं. इसको हम ये भी बोल देते हैं मेरी भाषा में, जो आपको काम आता है रेशो 12th वाले बच्चों को, हमें भी इनडायरेक्टली काम आ जाता है कहीं पर. अर्निंग कॉल्ड प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि अब जो प्रॉफिट बचा उसमें तो किसका? इसमें से वो गाना गाता है, जीना है तो हर पल जियो, फिर क्या पता कल हो ना हो. लेट्स क्रिएट सम रिजर्व्स. ओके, शेयर होल्डर को भूख लगी है. Closing balance, transfer to balance sheet. यहाँ तक कोई डाउट? बच्चों ये चीज समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे को यही चीज तंग करने वाली है आने वाले टाइम में, कॉलेज वालों को भी और 12th वालों को. Now can I say rhythm, जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, जरा ध्यान से समझो. ये मैंने डिबेंचर के चैप्टर से बोलना शुरू किया था, इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. Interest is a compulsory payment and dividend is an appropriation of profit. होगा तो देंगे. और balance sheet में जो profit transfer होता है वो after all the charges as well as appropriation होता है. Balance sheet में जो profit transfer होता है वो after all the charges as well as appropriation होता है. Is that point clear Kartik? Kartik आपके लिए बोल रहा हूँ डिटेल में इतना. अग्रिम के लिए तो बोल ही रहा हूँ क्योंकि वो आ गया, बट अभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप हो. Yes, sir, clear. है इसके बेचारे का फाइनल. क्लियर है कार्तिक?
Yes, sir. Yes. और इसके बाद एक रट्टा है पुत्र, ES3 कहता है हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI चाहिए। EOI को इग्नोर कर देते हैं अभी के लिए। हमें तो ES3 कहता है जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करूं इट मस्ट स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि बाकी सब तो होगा तो दोगे नहीं तो नहीं दोगे। इंटरेस्ट कंपल्सरी है वो देना चाहिए, बट उसके बाद तो सब एप्रोप्रिएशन है। और मेरे पास क्वेश्चन में 99% ऑफ द केसेस में 99 नॉट 100% मेरा बेटा बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट होता है। देखो बेटा इधर आप सब लोग देखो, बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट होता है। और बैलेंस शीट वाले प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? आफ्टर ऑल द चार्जेस एज वेल एज, थैंक यू, एज वेल एज एप्रोप्रिएशन। तो व्हेन आई स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट आई नीड टू एड बैक एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशन के नाम पे क्या आता है? कार्तिक को एक गाना बड़ा पसंद है, बड़ा गाता है कार्तिक, उलाला 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 उलाला। कौन सी पिक्चर है कार्तिक? याद नहीं। ओए नाना एक झूठ बोलता है, डर्टी पिक्चर नहीं देखी? 10 बारी देखी और 10 बारी देखी और कहता है याद नहीं। यस मैं इस चीज को ऐसे याद कराता हूँ, मुझे नहीं पता रिदम आपने कैसे पढ़ा, मैं ऐसा ही हूँ भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। याद है सुयश, डर्टी पिक्चर का डर्ट, डर्ट में डी का मतलब क्या है मेरा बेटा? डिविडेंड। एंड आई का मतलब क्या है मेरा बेटा? इंटरेस्ट। एंड डिविडेंड इंटरेस्ट। ओह हेरिंग डिविडेंड, क्योंकि पहले एप्रोप्रिएशन की बात करनी है। इंटरेस्ट तो चार्ज है मेरी जान, उसको क्रिटिकल करना है। मैंने हेडिंग लिखा है एप्रोप्रिएशन, तो यहाँ डी का मतलब डिविडेंड, आई का मतलब इंटरिम डिविडेंड, तो साल के बीच में दे दिया है तो डिविडेंड। एंड आर का मतलब रिजर्व, maybe journal reserve, maybe dividend equalization reserve, maybe debenture redemption reserve, reserves being appropriations। मुझे इन तीनों को क्या करना पड़ेगा? Add back। तब जाके मैं कहाँ पहुंचूंगा बेटा? इधर इधर देखो कहाँ पहुंचूंगा? Profit after tax। ये सब क्या थे? इधर देखो बेटा ये सब क्या थे? Appropriations। ये सब क्या थे मेरे बच्चों? Appropriations। तो मैंने सारे appropriations add back कर दिए। तो जब मैंने एड बैक कर दिए एज पर दिस फिगर्स जो मैं शो कर रहा हूं, आई रीच अ स्टेज व्हिच इज नोन एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट मुझे तो चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो मुझे प्रॉफिट नो बेटा उल्टा जा रहा हूं जान। ओ एड बैक। अब यहां पे एक रट्टा है, कौन सा टैक्स ऐड करूंगा? मेड वाला। इधर देखो बेटा, जब ऑपरेटिंग बना रहे थे लास्ट में हमने पेड वाला टैक्स माइनस किया, यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स मेड एंड टैक्स पेड। बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, जिनको पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। बट यस हियर व्हेन वी कैलकुलेट एनपीबीटी वी नीड टैक्स मेड। गाइस मेरी ये नॉलेज वेस्ट नहीं जाने वाली, अगर आप सीए के लिए भी पढ़ रहे होते मैं तब भी ऐसे ही पढ़ाता। आई स्टार्ट माय कैश फ्लो विद 12 सैंपल, क्यों? क्योंकि वो बेसिक्स मेरे लिए बहुत जरूरी। टैक्स मेड में ऐड करूंगा, अब जाके बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 99% केसेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती ही है, उसको यहाँ पे क्या करना होता है? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, रिदम कार्तिक एंड सुयश आप तीनों ध्यान से, आप नहीं भी सुनोगे चलेगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं। बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को रिदम यहाँ पे हमने क्या किया मेरा पुत्र? अंडू। मतलब अगर प्लस कर रखा था तो, और माइनस कर रखा था तो प्लस। और सेम चीज को मेरा बेटा इधर देखो, ऑपरेटिंग में लास्ट में मैंने जस्ट डू इट किया, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मेरा नेट इफेक्ट मेरी ऑपरेटिंग पे क्या आएगा? जीरो, क्योंकि वो मेरी ऑपरेशंस का पार्ट है ही नहीं, बस एक प्रेजेंटेशन है जो दिखानी पड़ती है। और वो क्यों दिखानी पड़ती है? क्योंकि हमारे पास जब क्वेश्चन में प्रॉफिट अवेलेबल होता है उसमें तो मेरा अकाउंटेंट हर तरह की इनकम ऐड, वो तो इंश्योरेंस क्लेम भी ऐड, तो इसलिए पहले हटाना पड़ेगा और फिर ऐड इसलिए करना है पैसा तो आया है, तो नेट इफेक्ट कैन यू रिपीट? जीरो। यस मेरा बेटा सर कैन यू रिपीट इट? बिल्कुल बच्चों, मैंने कहा बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का टेक्निकली स्पीकिंग हमारी स्टेटमेंट पे इफेक्ट शाहरुख खान की पिक्चर की तरह जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंटेंट ने उसको ऐड कर रखा था, तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की फॉर्म में अंडू मतलब माइनस कर दिया।
और सेम आइटम को ऑपरेटिंग में लास्ट में ऐड कर लिया, जस्ट डू इट। पहले अंडू किया फिर डू किया, तो यानी उसका नेट इफेक्ट क्या हो गया मेरा बेटा, जीरो। So this is NPBT and UI which I need for starting the operating activity. Which I need for starting the operating activity. So far so good. Lock कर दूँ बच्चा party? Yes sir. Kartik? Yes sir. Lock. इसकी फोटो लेना चाहो तो बेटा ले सकते हो आप स्क्रीन की, जो भी वीडियो देख रहे हैं YouTube चैनल पे भी देख रहे हैं, you can take the video picture. ओके ना भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक है। यहाँ तक फोटो ले ली कार्तिक अंकल? यस रेडी मैन। हाँ बेटा रेडी मैन फोटो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जो कॉलेज में भी कभी भी आ सकता है, ज्यादातर आपके बुक में क्वेश्चन दिखता नहीं है बट पेपर में दिखता है, जो हम ट्वेल्थ में भी करते हैं, शायद आज उसका कोशिश करूंगा एक क्वेश्चन कराने की अगर टाइम बचा। कहते हैं बोनस इश्यू होता क्या है? बोनस शेयर्स आर दोस शेयर्स व्हिच आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आउट ऑफ पास्ट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिखा हुआ है, फोटो खिंचवा दूंगा। बोनस शेयर्स आर दोस शेयर्स व्हिच आर अलॉटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आउट ऑफ पास्ट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। नाउ फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, वो एक क्वेश्चन है, मैंने फ्रेम किया। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर मेकिंग बोनस इश्यू ड्यू? अब बोनस इश्यू किसमें से दिया जाता है? प्रॉफिट्स में से। प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं तो ट्रांसफर करते वक्त डेबिट, तो प्रॉफिट्स टू बोनस इश्यू, एंड देन बोनस इश्यू क्रेडिट किया था तो ट्रांसफर करते वक्त, तो बोनस इश्यू टू शेयर कैपिटल। दीज आर द टू एंट्रीज, फर्स्ट फॉर मेकिंग द बोनस इश्यू ड्यू एंड सेकेंड फॉर अलॉटिंग द बोनस शेयर्स। बट फर्स्ट एंट्री में देखो मित्रों, जो प्रॉफिट्स मैंने लिखे, यहां पे मुझे भाग मिल्खा भाग का एक गाना याद आता है, नाचता धोता सुखाता सारे ऑर्डर बजाता, वो गाने गाता था। कहने का मतलब जिस ऑर्डर में मैंने रिजर्व्स को यूज किए, आपको भी एग्जाम में उसी ऑर्डर में यूज करना पड़ेगा, आपको भी एग्जाम में उसी ऑर्डर में यूज करना पड़ेगा। बोले तो सबसे पहले क्या यूज करोगे? कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। दूसरे नंबर पे क्या यूज करोगे? तीसरे नंबर पे क्या यूज करोगे? चौथे नंबर पे क्या यूज करोगे? मे बी सरप्लस और मे बी स्टेटमेंट ऑफ ईयर। सो दिस इज द ऑर्डर, यू कैन नॉट वायलेट दिस ऑर्डर। सो फार सो गुड रिदम। यस नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू रिदम इज, रिदम जब हमने ये दो एंट्रीज लिखी, इस एंट्री की वजह से हमारी शेयर कैपिटल विल इंक्रीज? यस सर। हाँ बताओ, मेरी शेयर कैपिटल विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। बट इस एंट्री में कहीं पैसा दिख रहा है? सॉरी सर, इस दो एंट्रीज में शेयर कैपिटल इंक्रीज तो हो रहा है बट उसकी वजह से कहीं कैश इन्वॉल्व दिख रहा है? बोल बेटा, कैश तो इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल तो इंक्रीज हो ही रहा है। So can I say when the share capital increases because of bonus issue, it's a non-cash increase? Yes, sir. फिर मुझे financing activity में उसे inflow दिखाने की जरूरत नहीं है। Issue of shares हमने inflow लिखा था last class में question में, क्योंकि वह पैसों के लिए था। यहाँ पे अगर मेरा issue of shares हो रहा है against bonus shares, तो उसमें कहीं पैसा तो involve नहीं है। Kartik, is that clear? Yes, sir, ये पॉइंट भी याद है, आई थिंक 12th में किया था ये रिकॉर्डिंग ही 12th की है यार, जस्ट टू सेव टाइम बस मैंने साथ साथ दिखा दिया। आई एम ट्राइंग टू कवर थोड़ा फास्ट।
अभी खिंचवाऊंगा रुक जा। नाउ मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ओपनिंग बैलेंस 2 लाख और क्लोजिंग 3 लाख है। मैंने एक डिक्टेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब शेयर कैपिटल में इंक्रीज कितना हुआ? 1 लाख। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितना? 2 लाख। 1 लाख इंक्रीज 1 लाख है, तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितना? 1 लाख। बट रुक, मुझे क्या पता ये इश्यू ऑफ शेयर कैश है या मुझे क्या पता ये इश्यू ऑफ शेयर कैश है या नॉन कैश? क्लियर है कार्तिक मेरी बात? Yes, so clear. All right. Now keeping this thing in mind, one bonus share for every 4 shares held. ऐसा हमारी ये इंग्लिश कह रही है इस क्वेश्चन की। A company made a bonus issue of 1 share for every 2 shares held. How much is my opening balance? 2 lakhs. तो बताओ हाउ मच इज द बोनस कैपिटल? क्या कह रही है बेटा? 50,000 आपकी शेम शेम होगी बेटा। सॉरी 1 लाख, सॉरी सर। पहले लेकिन आपने 4 लिखा था ना, तभी तो मैं हटा दिया ना मैंने फिर उसके बाद। ओके क्लियर है मेरा बेटा? यस सर। ओके नाउ इधर देखो बच्चों, ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना, बोनस इश्यू कितना, क्लोजिंग बैलेंस कितना। सो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश 0, क्योंकि ये सारे का सारा तो नॉन कैश है, ये सारे का सारा तो नॉन कैश है। तो आज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आप इश्यू और शेयर दिखाओगे? जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते हैं उसमें हमने किया था ना लास्ट क्लास में, इश्यू ऑफ शेयर इज एन इनफ्लो, फाइनेंसिंग में इनफ्लो। क्या आज दिखाओगे फाइनेंसिंग में इनफ्लो इन ए सिचुएशन लाइक दिस? इट्स अ नॉन कैश, सो देयर इज नो फ्लो। इट्स नॉन कैश, देयर इज नो फ्लो। यस कार्तिक, देखो मैं सूर्यज और वेदिम से तो बात ही नहीं कर रहा, आई एम अज्यूमिंग कि उनको ये सब आता है। कार्तिक मेरा भाई है, उससे पूछ रहा हूँ। यस कार्तिक। यस इंपॉर्टेंट। यस कार्तिक, अब एक बात करते हैं पुत्र। लेट अस अज्यूम सेम क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल 2 लाख और क्लोजिंग 350 होती है। तो इधर देखो बेटा, टोटल इंक्रीज कितना? 1 लाख। इसमें से बोनस इश्यू कितना? तो इश्यूड फॉर कैश कितना? 50,000। तो फाइनेंसिंग में कितना जाता? 50,000। थैंक यू, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच इफ करके। अब आप पहले इस पेज की फोटो ले लो। एक मिनट जाओ यहाँ पे मैं लिख भी दूं ताकि याद रहे। तो फाइनेंसिंग नो इफेक्ट, नो फ्लो, क्योंकि फाइनेंसिंग में कुछ आना ही नहीं। ओके सर। सो फार सो गुड। आज मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 2 questions करना चाहूंगा। पहले इंडिविजुअल, उसके बाद विल स्ट्रेट अवे जंप टू 1 full-fledged क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो। क्या आप लोगों ने पीडीएफ रेडी किया मेरे लिए? सर अभी तक तो नहीं, आज शाम तक भेज दूंगा पूरा। बड़े घटिया बच्चे, वो पंजाबी में क्या कहते हैं, गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। वेरी बैड कार्तिक, सॉरी सर, दिल तोड़ दिया तूने मेरा। अच्छी यार, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा स्पेशली रेनम और सूर्यश को, बट प्लीज दिस इज जस्ट ताकि रिफ्रेश हो जाए बच्चों, और कुछ नहीं। अदरवाइज तो बताओ, मेरे तो 3 घंटे बच जाते हैं यार।
मेरा क्या डाटा, यस कार्तिक, जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हो मेरे पास ना ज्यादा टाइम नहीं है, डेप्रिसिएशन को क्या कर दोगे बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को, एमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट को, नहीं बच्चू, एमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट इज फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ, एंड फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू फिक्टिशियस एसेट, जिसकी वजह से हमारे करेंट ईयर के प्रॉफिट रिड्यूस होते हैं, तो आप ऐड कर देंगे। थैंक यू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वजह से ऐड होगा, इसको छोड़ दो अभी, इसको छोड़ दो अभी, इसके लिए पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वापस बताऊंगा, मेरे लिए जरूरी है, मैं कॉलेज वाले बच्चों को भी बताता हूँ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को कहाँ ले जाओगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओ लाला, डर्टी पिक्चर का डर्ट रिजर्व, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी को क्या कर दोगे, और इन सब आइटम को कहाँ पे ले लोगे, सीए सीएल में, यस ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल, इधर इट इज करंट एसेट और इट इज, I'm not wasting time on that. I'm assuming that is just the increase decrease. You just have to punch the value. But मेरे जैसे टीचर से बच के रहना अरे बाबा, टीचर क्या करता है यहाँ पे, क्या लिख के दे रहे थे बेटा, जो देखना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हम उसका भी इंक्रीज डिक्रीज निकालने बैठ जाते हैं, अबे नालायक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड तो वो तो ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में भी, फाइनेंसिंग में भी, तो भारत माता तुझे कुछ नहीं आता, उन तीनों को छोड़ दे, उसको सबसे बाद में करते हैं, कैसे करते हैं वो देख लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील, इज दैट क्लियर कार्तिक, यस सो क्लियर, ओके, तो ऐसी आइटम को इग्नोर कर देना। अब बात बची इस क्वेश्चन में एनपीबीटी एंड यूआई निकालने की, और उससे पहले एक छोटी सी चीज मैंने सिखाने की कोशिश की, जर्नल एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, नाउ सेकेंड एंट्री for provision for tax paid during the year, ये एंट्री तो कोई बच्चा भी बता देगा, सैलरी पेड की एंट्री क्या करते थे, सैलरी टू बैंक, तो इसकी एंट्री, इसकी वजह से पैसा जा रहा है, इसीलिए ऑपरेटिंग में नीचे माइनस करते हैं, फॉर्मेट याद करो, टैक्स पेड मैंने सबसे नीचे लिखवाया था माइनस, थैंक यू, नाउ व्हाट इज द एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी प्रोविजन क्रिएट करना, और मैंने 11 स्टैंडर्ड से अपने गधे बच्चों को सिखा रखा है, प्रोविजन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इज रिकॉर्डेड थ्रू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, 11 से सिखाता आ रहा हूं ये बात, प्रोविजन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इज रिकॉर्डेड थ्रू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, अगर मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, मुझे पता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, भाई टैक्स मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा तो मेरे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, एंड डिक्रीज इन प्रॉफिट्स आर डेबिटेड, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, अब देखो इसको आप एनपीबीटी निकालते वक्त क्या कर रहे हो, इसीलिए मैंने वर्ड लिखवाया था, टैक्स मेड को क्या करना होता है और टैक्स पेड को नीचे क्या करना होता है, and that is the reason we need to differentiate between tax made and tax paid, that is the reason we need to differentiate between tax made and tax paid, is that point clear Ritim? Yes sir. Now Kartik, ek chhota sa kaam aur kar raha hu kyunki ye main baar baar karta hu, provision for tax for a business is liability. Liability always have opening balance comes on.
and closing balance comes out. Entry number one, statement of P&L debit to provision for tax account or tax made. Provision for tax account debit to bank. एक रेस्टोरो है उसका नाम मैं आप लोगों से पूछता हूँ. AMPM रेस्टोरेंट नहीं है, साइबर ग्रीन्स में, साइबर सिटी में है ना बेटा AMPM? यस, गैलेरिया में भी है. गैलेरिया में भी है AMPM, मुझे नहीं पता था. ओके, अब AM क्या, तेल लेने. बेसिकली मेरे को कोई खाना खाने थोड़ी जाना, मुझे तो कैश फ्लो पड़ागा. PM मतलब जो मेरे जैसे गधे बच्चे, मेरे जैसे गधे, आप जैसे नहीं, आप सब स्मार्ट ऐसे. P बोले तो paid, M बोले तो made. और इसको मैं ऐसे बोल देता था, हमारे मोदी जी हमारे क्या है, प्रधान P मंत्री M. तो paid debit side पे आता है और made जिस गधे को नहीं याद रहती है एंट्रीज उसके लिए, शॉर्टकट जो 12th में बोलता होता था. अब होता क्या है जब आप क्वेश्चन करते हो, जैसे आज वाला क्वेश्चन ही ले, आपको टैक्स उसने दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जीरो, तो पक्की बात है जो टैक्स मेड है वही टैक्स. मेक सेंस. और इस क्वेश्चन में टेक्निकली सुनो मेरा बेटा, टेक्निकली ये टैक्स मेड है. एक बच्चा कहता सर हाउ डू यू नो, कहता सर आपको कैसे मालूम है कि ये टैक्स मेड है. मैं कहा चाचे अर्नड ए प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग और क्रेडिटिंग, यानी प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते वक्त ये टैक्स कंसिडर किया गया, तो ये कौन सा टैक्स होगा. थैंक यू. क्या टाइम मुझे जज करना पड़ेगा पेपर में. इसी क्वेश्चन में अगर मैं ओपनिंग क्लोजिंग दे दूं और आप इसको पेड जज कर लोगे तो आपका आंसर गलत. सो मुझे कैसे, आज देखो इस क्वेश्चन में बेटा मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा मेड भी 40, मेरा पेड भी 40, बिकॉज देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग. Is that clear? Rhythm, Karthik, now मैं तीनों का नाम लूंगा मेरे, शाहरुख खान SRK, बोले तो S, बोले तो सुयश, R बोले तो Rhythm and K बोले तो Karthik. So, clear. No doubt. ध्यान रखना. आज इस क्वेश्चन को करते वक्त तो प्लस भी 40 करूंगा NPBT में और ऑपरेटिंग में नीचे माइनस भी 40. All about this question. अब तो बस मेरे को आपको आंसर दिखाना है, पिक्चर खिंचवा दूंगा, बाकी तो प्लस माइनस आपने मेरे साथ कर ही लिया. कार्तिक को डाउट, दे ले फिर फोटो. नाउ मैंने यहाँ पे NPBT नहीं निकाल के बताया, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, मेरे से गलती होगी, जल्दी जल्दी में गाइस माफ कर दो. टू में मुझे टैक्स को ऐड करना है और जनरल रिजर्व को भी ऐड करना है. दिख रहा है बच्चों, टू में जनरल रिजर्व ऐड हुआ, उसके बाद टैक्स मेड ऐड हुआ, तो मेरे पास ये गलती से 280 लिखा हुआ है, इट इज 260 एक्चुअली. मैं यहाँ करेक्शन करके दिखा देता हूँ. वहां 260 लिखा हुआ है, यहाँ गलती से 280 लिखा हुआ है, तो आंसर में बच्चों 260 है. ऊपर एक बार आप फोटो क्लिक कर लेना, ऊपर 260 है जो आंसर में नहीं दिख रहा है अभी. बेसिकली इट स्टार्टेड विद 260. ले लिया फोटो कार्तिक? यस सर. ऑलराइट गाइस, कम टू क्वेश्चन नंबर 14. हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए बच्चों क्योंकि हम गड़बड़ कर जाते हैं. जैसे हम फटाफट से देखें, वेन एवर यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, जहां पे आपको बैलेंस शीट दी है, नोट्स टू अकाउंट्स दी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है. यू गाइस नो माय नेचर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, वेन एवर एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, आई ऑलवेज स्टार्ट माई क्वेश्चन विद एडिशनल इंफॉर्मेशन, कीपिंग वन थिंग इन माइंड दैट एवरी एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज टू इफेक्ट्स. एवरी एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज टू इफेक्ट्स. Now, one by one.
एडिशनल डिबेंचर्स वर इश्यूड ऑन 1 अप्रैल 17। ध्यान दो बेटा, मेरा ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 150, इट मींस इश्यू ऑफ डिबेंचर 50,000, बट इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस, तो मुझे उससे अभी मतलब, बट प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा, डिबेंचर इश्यू किया है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। नाउ द प्रॉब्लम इज 9% इंटरेस्ट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड ऑन 1 लाख और 150, 150 अग्रिम सेज। रिदिम, व्हाट्स योर आंसर? आई थिंक 150 होना चाहिए। कार्तिक, 150 इज द राइट आंसर, क्योंकि बच्चों आपकी लायबिलिटी 1 से 150 राइट फ्रॉम द बिगनिंग हो गया। सिंस यू हैव इशूड द डिबेंचर्स इन द बिगनिंग, इट मींस योर लायबिलिटी बिकेम 150 राइट फ्रॉम द वर्ड गो। सो थ्रू आउट द ईयर योर डेट वाज 1,50,000, सो यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन to pay interest at the rate 9% on 1,50,000, which is 13,500. Financing में minus, operating में सीख चुके हैं। अगर आप समझदार बच्चे हो, कुछ बहुत rocket science नहीं सिखा रहा है। Yes guys, do you agree? Yes sir. Okay. See, that's the reason यहाँ पे मैंने 13,500 add करके दिखाया। Okay. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 अप्रैल। यार इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 40,000, क्लोजिंग 50,000, सो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज इनफ्लो और आउटफ्लो? आउटफ्लो। कोई डाउट बेटा? 12th वाला बच्चा बोल रहा है, 13th वाले बच्चे गूंगे होके बैठे हैं। यस, अब मेरा नेक्स्ट सवाल यहाँ पे सुयश, आपका इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। तो बताओ बेटा 8% किस पे कैलकुलेट करोगे, 40 या 50? 50। यस, बिकॉज़ योर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकेम 50 राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, सो 50 का 8% इज 4,000। नाउ सुयश, यू टेल मी व्हाट यू गोना डू विद दिस 4,000। सर इंटरेस्ट, सर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट पे कर, तो मेरे को बताओ ऑपरेटिंग में इसका क्या? सर ऐड होगा, माइनस होगा गधे। ओ बेटा इन्वेस्टमेंट पे तो इंटरेस्ट मिलता है मेरे। अच्छा हाँ, सॉरी, हाँ सॉरी, वो तो इन्वेस्टमेंट में प्लस हो रखा है और मेरे खोते में ऑपरेटिंग में भी प्लस कर रखा था, तो मुझे उसका इफेक्ट अंडू करना है, तो मैं इस 4,000 को माइनस करूंगा। इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट पे तो इंटरेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट बढ़ गए, तो अब उसे नीचे करूं, क्योंकि वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। सो फार सो गुड, लॉक कर दूं, कर दिया। Once all my adjustments are done, मैं point number one, reserve and surplus को छोड़ देता हूँ for the time being. Then I read point number two of notes to account. We are already done with. Point number three, machinery. इधर देखो बेटा, जरा board पे देखते रहना, सभी बच्चे even college में भी ये question ऐसा एक है। Original cost minus depreciation is, and when provision for depreciation account is maintained, like opening and closing balances are given, we say asset account is maintained at original cost. So mujhe uski book value se kuch bhi lena dena. So in this question, this 550 and 330 is of no use. They are useless. And I don't deal with useless people. So gone with the wind. Machinery increase ho raha hai, which is the purchase of asset, goes to इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मुझे उससे अभी कुछ लेना देना, और जब फुल फ्लेज क्वेश्चन करूंगा इसीलिए बार बार बोलता रहता हूँ। सो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कॉल्ड मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट एज ऑफ नाउ आई एम लीस्ट बॉदर्ड। देन कम्स डेप्रिसिएशन,
opening 110, closing 150. Oh, that means current year depreciation is 40,000. That means current year depreciation is 40,000. And current year depreciation reduces? So add back. It's a non-cash expense. It's a non-cash expense. अब इस क्वेश्चन में मैंने बस आंसर दिखाना है. देखो इंटरेस्ट मैंने माइनस कर दिया, डेप मैंने प्लस कर दिया, इंटरेस्ट मैंने प्लस कर दिया, बाकी सी ए सी एल मेरे बच्चे खुद कर सकते. एंड जहां तक बात रही एनपीबीटी एंड यूआई की, वो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का कैच. लास्ट रिदम, यस सर. करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. यस सर. क्लोजिंग इज 50 माइनस ओपनिंग इज माइनस 20. इस चीज का ध्यान देना है. यस सर. तुम्हारा करंट ईयर का प्रॉफिट बच्चों 30 नहीं आएगा, 70 आएगा. और उसके बाद ओ लाला डर्टी पिक्चर का डी नहीं है, आई नहीं है, बट आर तो है. रिजर्व्स प्लीज, ये लास्ट बात दे दें बेटा, ध्यान से सुनना. कॉलेज के लिए ट्वेल्थ से बोलता आ रहा हूँ, ट्वेल्थ के पेपर में कभी नहीं आती, कॉलेज में आती है. सामने देखो जरा, रिजर्व्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, रिजर्व्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. इंक्रीजिंग इट मींस अमाउंट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, यानी करंट ईयर के प्रॉफिट में से जर्नल रिजर्व के डब्बे में पैसा डाला गया, तभी तो जर्नल रिजर्व का बैलेंस इंक्रीज हुआ. लेट से मैं प्रॉफिट और सामने जो बास्केट है वो है जर्नल रिजर्व, मैं उसमें पैसे डाल रहा हूँ. मैं फेंक के बता रहा हूँ, जैसे बास्केटबॉल होती है, वो बास्केट मेरी क्या है, जनरल रिजर्व, उसमें मैं डाल रहा हूँ, उसकी वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट. तो इसीलिए आप यस, बट एट टाइम्स व्हाट हैपेंस गाइस, माया मैं पलट दूंगा तेरी काया. ओपनिंग इज 150 एंड क्लोजिंग इज 120. इट मींस अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व, और हमने उसे करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर दिया है. तो अब थैंक यू, ये बात याद रखनी है कि अमाउंट ऑफ जर्नल रिजर्व इज इंक्रीजिंग और इफ इट इज इंक्रीजिंग वी हैव ट्रांसफर्ड इन द करंट ईयर सो वी नीड टू ऐड बैक, बट इफ इट इज डिक्रीजिंग वी हैव ट्रांसफर्ड फ्रॉम जर्नल रिजर्व एंड एडेड टू माय प्रॉफिट. इज दैट पॉइंट क्लियर? सुयश, कार्तिक एंड रिदम. यस सर, क्लियर. आप फोटो ले लो बेटा. गाइस मेरी बस ये मेहनत मत वेस्ट जाने देना, क्योंकि कैश फ्लो इसके बाद ईमानदारी की कसम कसम उड़ान चलेगी. दो क्लासेस में कॉलेज का कैश फ्लो खत्म, दो मैक्सिमम तीन. डन बच्चा पार्टी. सर एक बार क्वेश्चन भी दिखा दो. मैं क्वेश्चन शुरू से दिखा देता हूँ, आज हमने जरूरत नहीं थी, समझी थी इसलिए मैंने दिखाया नहीं. डन मेरा बेटा. यस सर. यस सर. Guys, let's फटाफट से discuss one more question, 19B, only related exclusively to operating. I have to do two questions related to operating activity today, and then we'll wind up. मेरा question पहला, बनानी तो cash from operating activity है. NPBT and EOI हम निकाल लेंगे, वो मैं आप लोगों से निकलवाऊंगा आज, मैंने निकाला. इन दोनों को कहाँ use करूंगा? और ये P&L जब बैलेंसेस दिए होते हैं, कौन से वाले बैलेंस है? आई रिपीट, वर्ड उन्होंने गधों ने P&L जरूर लिखा है, बट P&L बैलेंसेस वर्ड जब आ जाता है, इट मींस दे आर द बैलेंसेस व्हिच गॉट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट. यानी इसकी हेल्प से जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो, दैट नेट प्रॉफिट इज आफ्टर ऑल द चार्जेस एज वेल एज अप्रोप्रिएशंस. इज दैट क्लियर कार्तिक? यस सर. ऑलराइट, नाउ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते वक्त क्या करूं? एक्सपेंस ऐड करूंगा, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया. जनरल रिजर्व को कहां ले जाऊंगा? डॉट ओ एनपीबीटी. टू लिखा है इसीलिए ऐड कर रहा हूं, टू की जगह क्या लिखा होता? रॉन्ग, तो माइनस करता, याद रखना.
ये बहुत जरूरी है, कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ। ट्रांसफर टू प्रोविजन को क्या कर दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट कम हो गए, उसकी वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट कम हो गए तो मैं उसे एड बैक कर दूंगा। नाउ इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल CACL में क्या कर दूंगा, माइनस। ट्रेड पेबल ओपनिंग क्लोजिंग डिक्रीज हो रहा है तो CL की वजह से उसे क्या कर दूंगा, माइनस, क्योंकि CA का इंक्रीज और CL का डिक्रीज माइनस माइनस। प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो अब क्या कर दूंगा, क्योंकि का डिक्रीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग फोर, कार्तिक के बारे में ओपनिंग फोर क्लोजिंग दिया नहीं तो भाई बता के करूं इस क्वेश्चन में, इस 4000 को माइनस करूं या प्लस करूं। कार्तिक अंकल यस सर बताओ ना, इस 4000 का क्या करूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते वक्त। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो पहले पे नहीं किया, अभी पे करना है। करंट लायबिलिटी ओपनिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग नहीं दिया तो मतलब जीरो, तो डिफरेंस इज डिक्रीज बाय 4000। तो जब क्लोजिंग नहीं दिया तो मुझे उसे जीरो एज्यूम करना पड़ेगा, और अगर ओपनिंग नहीं दिया तो उसे जीरो एज्यूम करना पड़ेगा। सो फार सो गुड गाइस, लॉक कर दूं, लॉक कर दूं बेटा। यस यस पक्का, यस सर। ओके नाउ करंट ईयर प्रॉफिट जब आप निकालोगे क्लोजिंग माइनस माइनस हो, क्योंकि ये कौन सा बैलेंस है, हम ध्यान नहीं देते बस क्वेश्चन में। ओपनिंग या क्लोजिंग जिसके नाम में भी डेबिट लगा है वहां माइनस का साइन एक और लगा दो। करंट ईयर निकालने का फॉर्मूला तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, बट ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ एक माइनस का साइन और आ जाएगा अगर वर्ड डेबिट बैलेंस लिखा होगा। अगर वर्ड डेबिट बैलेंस लिखा होगा, अगर वर्ड डेबिट बैलेंस लिखा होगा, इज दैट क्लियर? यस सर इट्स क्लियर। ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 19 का भी। और बच्चों देखो मैंने ऑपरेटिंग के इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करा दिए सो दैट जब आप फुल फ्लेज करो आपको प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी छोटी छोटी बातों। बिफोर आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 टुडे, मुझे एक बात बतानी है जो मैं 12th में भी बोलता होता था, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर। ये सेम चीज कंपनी अकाउंट्स में भी एप्लीकेबल है। कौन सी? 12th में सिखाता था बच्चों कि अगर क्वेश्चन कहता है वर्ड नेट प्रॉफिट, भाई मैंने के बेरा यो कौन सा है, मतलब विच प्रॉफिट इज दिस, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट रूल होता था रिदम। आई डोंट नो whether you remember that or not, but every one of you, whenever question only use the term net profit, so you have to remember one thing for clarity, that by net profit we mean profit after all the charges but before any appropriations. Profit after all the charges but before any appropriations, and dirty picture ka ooh la la, DIR is an appropriation. Tax is not an appropriation. Is that clear, Karthik? Yes, sir. Now, please listen. यहाँ पे बोर्ड क्या लिखा है? Please ध्यान देना बेटा, आंसर ही दिखाना है उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। यहाँ बोर्ड क्या लिखा है? Profits made during the year. इसका मतलब ये क्या है? Net profit after tax, but before appropriation. Is this point clear, Karthik? सिर्फ Karthik जवाब देगा और कोई नहीं देगा। Yes, sir. Is that clear, Karthik? Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. Lock कर दो? Yes, sir. All right. Karthik, आप मेरे लिए एक छोटी सी बात सोचो इस क्वेश्चन के अंदर। सभी बच्चे अच्छा 2 मिनट ले लो, जस्ट गो थ्रू इट, बताओ क्या प्लस क्या माइनस करोगे, अपने पास लिख के रख लो। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस कार्तिक, जनरल रिजर्व का क्या करोगे? डॉट में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा।
इस क्वेश्चन का क्या चाहिए बेटा, यहाँ क्या लिखा है? यस सर, बिफोर अप्रिसिएशन। यस, इसमें से हमने अभी तक डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और रिजर्व को माइनस का क्या करोगे, प्रॉफिट का क्या करोगे, लॉस का क्या करोगे, ये सारे टुच्चे पॉइंट है यार। इस क्वेश्चन में सिर्फ मैंने किसके लिए पूछा? Only for reserve. अगर dividend होता तो dividend, interim dividend होता तो interim dividend. So Karthik, this was the catch. आपके level पे भी एक question कराऊंगा मैं, BCom की book में है, इसीलिए मैंने ये point एकदम से उठाया कि अगर word profit made during the year लिखा है मेरा बेटा, इसका मतलब उसमें से हमने reserve dividend को अभी तक minus, तो मुझे उसे add भी करने की जरूरत नहीं, मुझे उसे ऐड भी करने की जरूरत मेरा बेटा नहीं। इज दैट पॉइंट क्लियर कार्तिक? क्लियर है। अब ये क्वेश्चन आपको देख ही रहा है जिसको फोटो फाटो लेनी हो, और ये रहा उसका आंसर जिसको फोटो फाटो लेनी हो। एक मिनट फोटो रुक जा भाई। एक सेकंड, here you go. So that was the catch mera beta. Aaj ki class yahi pe samapt hoti hai. Aaj ke liye itna kafi. Rest will continue in the next class. Four question. Haan. Dikha do question. Abhi to dikhaya tha mera beta. Thank you sir.